मैटर हुआ था आपके भाई के साथ? किस मेरे भाई के साथ दिवाली देने गया था मुंडे नू दिन? दिवाली वाले दिन। हाँ रात जी, को? रात को क्या नाम था उसका? ननकू तो क्या मैटर हुआ, कैसे हुआ, उसकी डेथ कैसे हुई? डेथ। पहले तो वहाँ से आ रहा था ते गाड़ी से मैं पीछे था, वो आगे था। ते गाड़ी आई उधर से होसिन बोर्ड वाले पास से, इसमें चिट्टी गाड़ी थी, वो उड़ा के ले गई। मुंडा अलग गिरा, तू तो उसको तू के ले गई बहुत जोर से। तो वो किस स्टेज पर थे? वो गाड़ी में थे, भाई नहीं, वो आपके भाई मेरा साइकिल अच्छा में गाड़ी के था, बॉनेट पे था वो? अच्छा, और गाड़ी भाई बॉनेट मेरा पर आगे गाड़ी जाके के वो बॉनेट पे था। गिरा, जो ब्रेक लगाई आगे जाके गिरा तो वो। उनका स्पोर्टिव मौत हो गई उनकी, वहां पे मर गए कि हॉस्पिटल लेके गए? हॉस्पिटल लेके गए सर, मैं गुरु नानक में ऐसे पड़ा था, कोई इलाज नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं, ऐसे तड़पता रहा वहाँ पे, सारे देखते रहे वहाँ पे। पुलिस फिर मौके पे वहाँ पे पहुँची, तो उन्होंने कुछ नहीं, इधर उधर देख रहे थे। तो फिर हम लोग पहुँचे, तो फिर मैं केडी लेके गया। केडी में उन्होंने इलाज जब किया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। केडी हॉस्पिटल लेकर गए, हालत नाजुक थी उसकी? हाँ जी, नाजुक नाजुक थी ना? थी, सांस चल रहा था। उन्होंने अपना ट्रीटमेंट पूरा किया है, केडी वालों ने पूरा हाँ जी, किया? ट्रीटमेंट पूरा? पूरा फिर आप किया। पुलिस को कुछ हुआ, पुलिस प्रशासन से कोई बात हुई आपकी? हाँ, कह पुलिस रहे से थे वो कोई बात लोग नहीं, उसके बाद हम रिपोर्ट लिखाने गए उस रणजी दमनू थाने में। उन्होंने रिपोर्ट लिखी, फिर जाके सवेरे उन्होंने केडी हॉस्पिटल आए, 9 बजे का टाइम दिता कि हम पोस्टमार्टम में जाने के लिए। पोस्टमार्टम के लिए ले चलते हैं। वहाँ से पोस्टमार्टम कराता, फिर उन्होंने बॉडी नू साडे हवाले करता जाए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? हाजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? हमने सर इंसाफ मांगना है, इंसाफ चाहिए था। इंसाफ चाहिए। मैनू कर देना, बच्चे का काम है, बच्चे दी होगी कंडीशन बच्चे दी टांग टूट गई है, बच्चे का हुन इलाज बहुत ज़्यादा बहुत महंगा। ज़्यादा मांग रहे हैं केडी वाले, तो हुन गरीब बंदे कहाँ से भरेंगे। मेरा नाम सुबह है, मैं बसंत एवेन्यू अमृतसर में रहती हूँ। मेरे यहाँ पे एक केयर टेकर था जो दिवाली के दिन यहाँ पे अपने बेटे को मिलने के जा रहा, 3 साल का बेटा था। उसने कहा कि दिवाली मिलने के लिए जाना है, उसको कुछ सामान देने के लिए जाना है। वो वहाँ पे गया, रंजीत एवेन्यू से वापस आ रहा था। वीरका बूथ पुलिस स्टेशन के बाहर हमें थोड़ी देर बाद उसका कॉल आया, हम वेट कर रहे थे कि वो आएगा, तो हमें किसी का कॉल आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो हमने काफ़ी देर पता किया कि कहाँ पे गया है, तो फिर पता चला गुरु नानक एमरजेंसी में गया है, वहाँ पे आप फटाफट से पहुँच जाओ। हम वहाँ पहुँचे तो उसका पूरा ब्रेन खुला हुआ था और बेटे की टांग टूटी हुई थी। वहाँ पे ना किसी ने ऑक्सीजन दिया हुआ था, ना किसी ने ड्रिप लगाई हुई थी। जब हम वहाँ पहुँचे, हमने थोड़ा पैनिक क्रिएट किया, इतना सब कुछ बोला, तो उन्होंने फटाफट से किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भेजा, बट उनको भी वो ओपन करना नहीं आता था। वो हम लोग ओपन कर रहे थे, वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसने बोला कि अगर आप बच्चे की जान बचाना चाहते हो तो इसको यहाँ से ले जाओ, यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। वो बिल्कुल ही अधमरी हालत में था, कोई भी था, डॉक्टर्स वहाँ पे दो खड़े भी अगर कोई हुए थे उनको कोई लेना देना नहीं था। वो लोग अपना मस्त थे, अपने इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई अटेंडेंट नहीं। वो सांस भी इतनी मुश्किल से ले रहा था। उसके बाद हमने किसी एम्बुलेंस को रिक्वेस्ट किया कि हमें किसी तरीके से किसी हॉस्पिटल में, बट कोई वहाँ पे एम्बुलेंस भी नहीं थी। उनको कॉल किया, उन्होंने कहा टाइम लगेगा, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं करके। हमने किसी से रिक्वेस्ट की, कोई एम्बुलेंस आई हुई थी पठानकोट से, हमने उनको बोला कि हमें कर दो किसी तरीके से। तो वहाँ पे अंदर शिफ्ट करने के लिए भी कोई नहीं था, तो हमने लड़के को पकड़ के खून से भरे उसको शिफ्ट करा के केडी हॉस्पिटल तक पहुँचा दे कि बच जाए। पर जब तक हम पहुँचे तो उन्होंने बोला कि अगर गुरु नानक में इसको ट्रीटमेंट दिया जाता तो ये बच जाता, क्योंकि इतना ब्लड लॉस हो चुका था कि किसी तरीके से हम इसको बचा ही नहीं सकते। 24 साल का बच्चा सिर्फ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ना होने की वजह से आज मर चुका, और 3 साल का बच्चा उसका ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब मैम, पुलिस के पास गए थे आप? पुलिस के पास गए, वो तो सीसीटीवी फुटेज बस बोली जा रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, कोई सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं निकली। बल्कि पुलिस स्टेशन से हार्डली कुछ माइल्स अवे भी नहीं होगा, वहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे कैमरा है, वहाँ पे वीर का बूथ है, वहाँ कैमरा है, वहाँ मंदिर है, वहाँ कैमरा है, बट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। किस दिन की घटना मैम? ये कल रात की है, पूरा दिन निकल गया आज, कोई कुछ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर छुट्टी पे है आज जी, हम पूरा दिन 24 घंटे काम किए, हम अभी नहीं आए हैं, हम जब आएंगे तब कल करेंगे। रात को दीपावली वाले दिन हाँ, दिवाली वाले दिन। प्रशासन से क्या मांग करते हो आप? कि बस जो बंदे ने ये काम किया है, जिसने हिट एंड रन वो किया, पकड़ा जाए। वो पकड़ा जाए, कम से कम उसको इतनी इंसानियत होनी चाहिए थी कि उसको हॉस्पिटल पहुंचा देता तो शायद वो बच जाता।
अगर वो भागा हुआ और उसने कुछ किसी चीज़ में उसको कोई इंसान नहीं, उसकी गर्दन के ऊपर से टायर चढ़ा के वो ऐसे लेके गया हुआ है, कम से कम हमें ये इंसाफ मिले कि हम उस बच्चे का आगे जाके फ्यूचर सही कर सके, कुछ ना कुछ उसके लिए कर सके। जो मेड था उसका क्या नाम था, कितने समय से आपके यहाँ पे? ननकू नाम था उसका और वो यहाँ पे 12 साल से था। उसका बच्चा रहने वाला है वो? बारामुल्ला। कौन से मैम ब्लॉक में हुआ? सी ब्लॉक। सी ब्लॉक में जो वेरका वो है उसके पास में पुलिस? हाँ पुलिस, बिल्कुल पुलिस चौकी है वहाँ पे, पीआर रेजिडेंसी है, पुलिस चौकी है, पूरा का पूरा वो चौक है, उससे बस थोड़ी देर पहले है, थोड़ी 5 मिनट्स भी नहीं, 2 मिनट्स अवे होगा। कुछ अभी तक नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं वो। वो यही कह रहे हैं हम चेक करेंगे, हम चेक करेंगे, आज वेरका बूथ बंद है, आज मंदिर बंद है। जो अफसर था वो छुट्टी पे है, वो सो गया, उसको 24 घंटे से ड्यूटी की है, पर दूसरा अफसर कोई इंस्पेक्शन ही नहीं ले रहा, कह रहे वो आएंगे कल, तो कल बताएंगे हम चेक करके। क्या मांग है सरकार? सर सरकार से यही मांगे जिसने ये काम किया उसको फटाफट से पकड़े, जितनी जल्द से जल्द हो सकता है उसको पकड़ के उसको सजा मिले, ताकि उसको पता चले कि किसी की कीमत क्या होती है जिंदगी की। ये ननकू दे ब्रदर शिवलाल ने सानू स्टेटमेंट लिखाई है कि उदा ब्रदर दा बेटा दा भतीजा एक साइकिल ते तो वो दूसरे साइकिल ते सी ब्लॉक मार्केट लो आ रहे सी, इतनू जदों मंदिर तो अगे आके इतनू टर्न किया, जदों पिछों एक गड्डी आई है उन्हें हिट करके तो उन्होंने चली गई है, जिदे जो भतीजे की चेयर फ्रैक्चर होया लत से, वो ब्रदर की जो ननकू से वो डैथ हो गई है, पुलिस मच केस रजिस्टर करता है, तो गाड़ी की पाल जारी है। देखो असी सेम डे उन्होंने केस रजिस्टर करता नैक्सट डे उन्होंने पोस्टमार्टम हो गए, डेड बॉडी उन्होंने हवाले करती थी, उस दौरान असं यदा जो सी सी टीवी मदद नाल जे गए ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द कर लाँगे ट्रेस। असं असं कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, हजे जिनी फुटेज मिली गड्डी वो टी पॉइंट जाती नज़र आ रही है, उस तो अगे भी असं फुटेज लैके फॉलोअप लै रहे हैं।